Please subscribe to my channel Mehak in the Kitchen and press the bell icon for more latest videos. Assalamu alaikum. आज मैं बना रही हूँ चिकन नूडल्स स्पाइसी. इसके लिए हमें चाहिए चिकन 200 ग्राम्स, टोमेटो पेस्ट 2 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून टेस्ट मेकर, सॉल्ट हसबे ज़रूरत, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1/2 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च, 1/2 टेबलस्पून काली मिर्च पिसी हुई और ये 1/2 टेबलस्पून जीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून सिरका, 1/2 इसे अच्छी तरह से मैं मिक्स कर रही हूँ. और अब डालेंगे इसमें 2 टेबलस्पून रेड चिली सॉस. इसे अच्छी तरह से मिक्स करके आधे घंटे के लिए इसे कवर करके रख देंगे. ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है. अब मैं इसे कवर कर दूंगी. मैंने कवर करके रख दिया है, होने के लिए रख दिया था यहाँ पर. अब मैं इसमें नूडल्स डालकर बॉईल करूँगी. मैंने 5 नूडल्स लिए हैं. इसे नॉर्मल फ्लेम पर हम इसे बॉईल करेंगे. मैंने डाल दिए हैं इसमें नूडल्स. अब मैं इसमें 2 टेस्ट मेकर डालूँगी. मैंने टेस्ट मेकर डाल दिया. अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डालूंगी ताकि आपस में चिपके ना. अब मैं इसे हल्के हाथ से थोड़ा मिक्स करूंगी और इसे कवर करके स्लो फ्लेम पर पकाऊंगी. नूडल्स पककर रेडी हो गए हैं. अब मैं इसे निकाल लूँगी बॉल में और ये जो इसमें सूप दिख रहा है इसे मैं अलग बॉल में कर लूँगी. ये सूप को मैं अलग बॉल में निकाल लूँगी. इस तरह से मैंने इसे छान कर निकाल लिया है. ये सूप मैंने अलग कर लिया है और ये नूडल्स इस तरह से मैंने रख लिए हैं. 4 टेबलस्पून ऑयल डालूँगी. उसमें 1/2 टीस्पून ज़ीरा. मैं इसे ब्राउन होने तक पकाऊंगी कि ज़ीरे में से खुशबू आने लगे. ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा. अभी ऑयल ठंडा है. ये देखिए ज़ीरा भी हल्का ब्राउन हो गया है, इसमें से खुशबू भी आ रही है. अब मैं यहाँ पर ये मैरिनेट किया हुआ चिकन इसमें डाल दूँगी और इसे अच्छी तरह पका लूँगी. इसे अच्छी तरह से 10 मिनट तक पकाना है. चिकन की छोटी छोटी बोटियाँ हैं तो वो जल्दी गल जाएंगी. सिर्फ 10 मिनट के लिए इसे मैं कवर करके यहाँ पर पकाऊँगी. चिकन को पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं. चिकन गल चुकी है तकरीबन. अब मैंने यहाँ पर 1/2 प्याज काट कर रखी हुई थी इस तरह से. अब मैं इसमें वो डाल दूँगी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी ताकि प्याज सॉफ्ट हो जाए. ये मैंने 2 शिमला मिर्च काट कर रखी हुई हैं. आप अपनी मर्ज़ी से जितनी भी लेना चाहें, कम या ज़्यादा, इसकी तादाद बढ़ा सकते हैं.
और ये आधी मैंने यहाँ पर फूल गोभी इस तरह से काट कर ली है। सॉरी, मैंने बंद गोभी ली है, आधी बंद गोभी काट कर ली है। अब मैं इसे यहाँ 5 से 6 मिनट सॉफ्ट होने तक पकाऊंगी। शिमला मिर्च, बंद गोभी और प्याज सॉफ्ट हो जाने तक। शिमला मिर्च, बंद गोभी और प्याज सॉफ्ट हो गई है, देखिए साफ नज़र आ रही होगी। अब मैं इस स्टेज पर यहाँ पर नूडल्स डालूँगी। नूडल्स मैं हाथ से डालूँगी ताकि नूडल्स खिले खिले रहें, नहीं तो ये चिपक जाती हैं। अब मैं इसे अच्छी तरह से हल्के हाथ से मिक्स कर लूँगी ताकि सारे नूडल्स मिक्स हो जाएं। इन्हें बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करना है, नूडल्स टूटे ना। नूडल्स को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, ये देखिए। और इसमें ज़्यादा चम्मच बिल्कुल नहीं चलाना है, मैंने चूल्हा बिल्कुल स्लो कर दिया है। अब मैं यहाँ पर 1/2 कप चिली गार्लिक केचप डाल रही हूँ। अगर आप चाहें तो अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। मैंने यहाँ सिर्फ 1/2 कप लिया है। इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। मैंने अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया है। बिल्कुल स्लो चूल्हे पर मैं इसे दम लगाऊंगी 5 मिनट के लिए। दम लगाकर 5 मिनट हो गए हैं, देखिए। अब मैं इसका फ्लेम ऑफ कर रही हूँ, फ्लेम ऑफ कर दिया मैंने। चलिए आइए अब डिश आउट करते हैं इसे। ये जो मैंने सूप निकाल कर रखा था, अब ये मैं नूडल्स सूप में डालूँगी। चिकन सूप नूडल्स, मैंने ये नूडल्स सूप में डाल दिए हैं। और ये जो बाकी नूडल्स हैं मैं प्लेट में निकाल रही हूँ। ये मैंने प्लेट में ऐसे निकाला। नूडल्स बिल्कुल भी एक दूसरे से चिपके नहीं हैं और ना ही टूटे हैं, बिल्कुल अच्छी तरह से अलग अलग हैं। देखिए, ये झटपट और इजी रेसिपी है। आप चाहें तो शाम में स्नैक में इसे बनाकर ले सकते हैं, टी टाइम स्नैक्स कह लीजिए आप इसे, या कोई फ्रेंड्स वगैरह आपके घर पर आ रहे हैं आप उनके लिए भी बना सकते हैं इसे। आपको बहुत बहुत टेस्टी लगेंगे, मुझे तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये देखिए, ये देखिए, ये गरम गरम चिकन स्पाइसी नूडल्स बनकर तैयार हैं। और ये मैंने इन्हें 2 वे में बनाया है। और ये चिकन स्पाइसी नूडल्स विद सूप, ये देखिए। और अब मैं इसे टेस्ट करने लगी हूँ। इट्स सो यमी एंड डिलीशियस। प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो प्लीज़ अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।